हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी को एक ऐसे टॉपिक की ज़रूरत है जिसकी ज़रूरत हर एक स्टूडेंट को है। अभी हाल ही में कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की परीक्षा हुई है, तो हर एक स्टूडेंट को इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए थी जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और टॉपिक क्या है? टॉपिक है कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में कौन कौन पास होगा, कौन कौन फेल होगा, कितने अंक से पास होगा, कितने अंक से फेल होगा, क्या हमने कम लिखे, क्या हम पास होंगे नहीं होंगे, क्या हमने ज़्यादा लिखा थोड़ा बहुत लेकिन बहुत सारे गलत लिख दिए, क्या हम पास होंगे या नहीं होंगे, किस प्रकार से कॉपी की चेकिंग होंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आप सभी का मित्र दोस्त रुपेश पानकर, आप देख रहे हो आपके अपने रुपेश को। चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को हो सके तो एक लाइक जरूर करना, और हाँ, अपने मित्रों में शेयर भी कर देना और एक अच्छा सा कमेंट तो कर ही देना। चलिए शुरू करते हैं, नहीं करें करते हैं, चलिए करते हैं। अब जैसा कि हुआ क्या ना, आप सभी से बहुत सारा को जो एग्ज़ाम है भैया वो हो चुका है कंप्लीट। अब भैया कुछ तो पिकनिक मनाने गए होंगे, कुछ जो मूवी के शौकिंग हो गए वो है मूवी देखने लग गए होंगे, कुछ जो भैया अपने नाना नानी के यहाँ चले गए, यानी कि कुल मिला के बात करें तो एंजॉय करने में अभी लग गए हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स के, कि भैया वो हो गए हैं बहुत बड़ी झंझट से दूर, वो हो गए बहुत बड़ी झंझट से दूर। और अब वो सोच रहे भैया अब तो हम निकल चुके हैं और अब कभी ये जो सिचुएशन है ये कभी लाइफ में आने ही नहीं है, खुशी ही खुशी होगी, पैसा ही पैसा, मतलब जैसे कि एक खुशी होती है ना, वैसी फीलिंग्स आपके अंदर अभी हैं। और फिर जब स्कूल लगेगा तो फिर आपसे मन करे यार कहाँ स्कूल, लेकिन बहुत सारों को ये भी लगा हाँ भैया स्कूल लग गया। किसी को खुशी भी होती है, किसी को नहीं भी होती है, क्योंकि भैया कोई कोई नया देखना चाहता है, कोई नहीं। खैर छोड़ते हैं, अभी हम बात करते हैं अपने पॉइंट पर, कि भैया अपने लक्ष्य पर, कि भाई क्या बात करने वाले थे, कि भैया कौन कौन पास होगा, कौन नहीं होगा, कितने अंक होगा, इस प्रकार से। तो देखिए, आप सभी की कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की जो कॉपी चेक होती है वो कैसे होती, किस प्रकार की धारणा से होती, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो देखिए, कक्षा 9वीं की जो कॉपी चेक होती है तो उसमें क्या है ना, जो एग्जामिनर होता है वो सोचता है कि भाई जो भी स्टूडेंट है ये क्या है, ये थोड़ा इसका जो दिमाग है वो कम लेवल का है, ये सोचता है। क्योंकि भाई देखिए, आप सभी को पता है, आप सभी पढ़े होंगे गवर्नमेंट स्कूल में, एमपी बोर्ड में, खास करके 6th, 7th और 8th, इसमें बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है, बोले तो बहुत कम लेवल की पढ़ाई होती है, और ज़्यादातर जो है गाइड से टिपवाते हैं, और पहली से ही भैया पहले से 8वीं तक की बहुत कम पढ़ाई होती है, बहुत कम, ना के बराबर। और फिर जब पढ़ाई होती है तो वो होती है भैया 9वीं से स्टार्ट होती है, तो 9वीं से एकदम से जो स्टूडेंट है वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाता है, क्योंकि इतने कम समय में अपने आप को चेंज कर पाना मुश्किल है थोड़ा सा। तो क्या है, तो फिर वो जो एग्ज़ाम देता है, तो भैया एग्ज़ाम में अगर कम लिखेंगे ना भैया, कम लिखेंगे तो जो एग्ज़ामिनर होता है वो फेल करने का कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही बात करें क्लास 11th की, तो क्लास 11th में क्या होता है, क्लास 11th में ऐसा होता है जो कॉपी चेक करता है उसकी धारणा ये होती है कि जो स्टूडेंट जिसकी मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ उसने 10th का बोर्ड एग्जाम पास कर रखा है, वो कभी ये बात नहीं भूलता है कि उसने 10th का एग्जाम बोर्ड एग्जाम पास कर रखा है, इसलिए वो एक बात अवश्य ध्यान रखता है कि इस स्टूडेंट ने 10th का बोर्ड एग्जाम पास कर रखा है, ठीक है। सबसे पहली धारणा तो ये होगी, मैंने दोनों को आपसे को बता दिया कंपैरिजन करके, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, अब आगे की जो बात है वो बिल्कुल दोनों क्लास के लिए सेम है। क्या बात है, बात यह है कि जो आप सभी की कॉपी चेक होती है तो मान के चलिए भैया उसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह भी है, मान के चलिए उसमें 30 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि एक एक नंबर वाले प्रश्न है 30 है। अब आपने 30 में से 10 तो सही कर दिए, 15 सही कर दिए, मान के चलिए आपको 27 नंबर चाहिए, 15 सही कर दिए, बाकी के नंबर और चाहिए, तो भैया आपने अगर कॉपी में कुछ नहीं लिखा ना तो आपसे को फेल कर दिया जाएगा, बिल्कुल 100% आपसे को फेल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने उसके बावजूद, यानी कि ओटी के क्वेश्चन के बावजूद, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि बहुविकल्पी एक अंक वाले प्रश्नों के बावजूद भी आपने अगर कुछ लिखा है, चाहे गलत लिखा है लेकिन मन से लिखा आप सभी ने थोड़ा बहुत, ठीक है ना, तो उसके नंबर आप सभी को थोड़े बहुत बढ़ा करके दिए जाते हैं, बिल्कुल दिए जाते हैं। और मान के चलिए कुछ कुछ ने बड़े तो लिखे, लेकिन बड़े बड़े बहुत सारे ने ऐसे लिखे कि एक भी नहीं छोड़े, उन्होंने सही सही भी लिखे और जो नहीं आता वो भी बना के लिख दिया, तो उसको तो है टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वो पास 100% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसके एक तो बड़े जो क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े बहुत सही सही निकल करके उसके 10 से 15 नंबर तो आ ही जाएंगे, 10-15 उसके हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव से, ऐसे
करके 30 नंबर तो वैसे ही हो जाएंगे, और अगर फिर भी उसका कम नंबर बन रहा है तो भैया 5-6 नंबर जो है वो जो एग्जामिनर होता है वो गलत क्वेश्चन का काटता है, तो फिर वो बढ़ा देता है, प्लस कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पास करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सभी के होता है, ठीक है। अब बात करते हैं किस प्रकार से कितना नंबर आप सभी को लाना पड़ता है, ठीक है। मान के लिए आप सभी का 80 नंबर का अगर पेपर है, अगर आप सभी का पूर्णांक जो है वो 80 है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 है, तो आप सभी को मिनिमम मान के चलिए पासिंग मार्क्स जो जो लाने पड़ते हैं वो लाने पड़ते हैं आप सभी को 32 या 31, ठीक है ना, पासिंग मार्क्स। और अगर आप सभी को 75 का है तो आप सभी को मिनिमम मान के चलिए 26-27, ठीक है। और अगर आप सभी का पेपर 70 का है तो आप सभी को लाना पड़ेगा 23-25 ऐसा, ठीक है ना। यानी कि आप सभी को कितना मार्क्स चाहिए, 32, ठीक है ना, सभी का 32 मान लो आ ही जाएगा इतना तो, क्योंकि 2 पास नंबर तो ऊपर हो जाता है हर किसी का ही, ठीक है ना। तो वैसे चिंता मत कीजिए, जब रिजल्ट आएगा तब आप सभी को पता चल जाएगा। अगर आप सभी को ये पता नहीं रिजल्ट कब आएगा तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, रिजल्ट कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा उसका एनालिसिस करूंगा पूरा उस वीडियो में। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को करना है सपोर्ट, वीडियो करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं एंड उस वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। तो उस वीडियो के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।